जब भी अंजलि हम कुछ ऐसा पूछते हैं ना, या ऐसा कुछ विचार आता है, फ्रेंडशिप क्या है या प्रेम क्या है या रिश्ता क्या है, ये सारी एक ही चीज़ है, इसी तरह का विचार आता है ना। तो जब हम पूछते हैं फ्रेंडशिप क्या है, सडनली आपका फोकस, आपके कैमरे का फोकस औरों पे जाता है। फ्रेंडशिप क्या मतलब, ये सब लोगों के साथ इनका फ़ोन आना बंद हो गया और वो सब, राइट? ऐसे ही जा रहा है ना, कि इसका मतलब तो ऊपर ऊपर का रिश्ता था, इन्होंने तो फ़ोन ही नहीं किया वापस। फोन ना मैसेज मतलब वही वही कुछ वही ही वही नहीं वही 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 तो हुआ। फोकस कहाँ है और सब पे, करेक्ट? मगर फ्रेंडशिप का मतलब जो फोकस यहाँ होता है, क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ, क्या तुम मित्र हो सबके? प्रश्न ये नहीं है कि वो तुम्हारे मित्र हैं कि नहीं, वो तुम्हारी मुसीबत पे तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हें बिना फ़ोन करे पहचान रहे हैं कि तुम रो रहे हो, सुखी हो, दुखी हो कि नहीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या तुम ये फील कर रहे हो उनके बारे में? क्या तुम्हारा कोई दोस्त जब उदास है तुम्हें बिना कहे पता चल जाती है ये बात? किसी भी रिश्ते को नाम जो मर्जी दे दो, तुम फ्रेंडशिप जो मर्जी नाम दो, किसी भी रिश्ते में तुम्हारा रोल सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो रोल होता है किसान का, कि तुम वो भूमि तैयार करते हो, तुम वो मिट्टी तैयार करते हो और तुम उस मिट्टी में बीज डालते जाते हो। बस इतना काम होता है फ्रेंडशिप में। अभी समझ लो ये सब मेरे दोस्त, मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये सोचूं ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरे को, वो मेरा काम नहीं, गड़बड़ हो गई फिर फोकस आउट हो गया। मेरा काम ये है कि मैं अपने एफर्ट से ये भूमि कैसे तैयार कर रहा हूँ, ये प्रेम की भूमि, जिस भूमि में तुम मुझसे जुड़ पाओ। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना भूमि तैयार करने की, कि तुम मुझसे ये प्रश्न पूछ पाओ, तुम इतना अपनापन फील करो कि तुम प्रश्न पूछ पाओ, तो ये भूमि तैयार करनी होगी। ये मेरा रोल, हर व्यक्ति का बस इतना ही रोल। सामने वाला क्या करे ये उसकी मौज है, उसमें से 50 में से 25 लोग होंगे जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी मेंटेन करेंगे दुआ सलाम, 10 होंगे जो वो भी नहीं मेंटेन करेंगे, हाँ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ उसमें से शायद कुछ 5 व्यक्ति मिल जाएं ऐसे जो तुम्हारे दोस्ती को समझ पाएंगे, सिर्फ 5, 10% या 5% मान लो। मगर ये तुम कर तब पाओगे जब तुम्हारा फोकस स्वयं पे है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इस दोस्ती की भूमि को तैयार करने के लिए क्या कर रहे हो। प्रश्न कभी दूसरे का नहीं होता कि वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुमने भूमि तैयार करने कर शुरू कर दी, तो किसी दिन पाओगे हजारों दोस्त होंगे तुम्हारे। मगर तुम इस चक्कर में रहे कि मैं देखती हूँ कौन रिस्पॉन्ड करता है, कौन मैसेज करता है, तो फिर ये भूमि तैयार नहीं होगी कभी। फिर तो आदान प्रदान चलेगा, तुमने मुझे फ़ोन किया मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। 100 लोगों से दोस्ती बनाओगे, 5 दोस्त होंगे सिर्फ तुम्हारे, वो भी तब जब तुमने पूरा एफर्ट किया भूमि तैयार करने में। 95 दोस्त नहीं बनेंगे तुम्हारे, वो दुआ सलाम या फिर ट्रांजेक्शन रहेगी। दिस इज़ हाउ इट इज़। क्या करें, लोग इतने सोए हुए हैं, क्या करोगे? प्रेम की कोई भाषा समझता नहीं, क्या करोगे? 5% समझते हैं, बहुत बड़ा नंबर है भाई। नाचो नाचो कि 5% लोग हैं इस पृथ्वी पे जो तुम्हारे प्रेम की भाषा समझ पाते हैं। बड़ा ये रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा संख्या 5%। और दूसरा छोटा सा नियम फ्रेंडशिप का ये होता है, जो मैंने इनको सुनाया गा के, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो दोस्ती की है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तहे दिल से दोस्ती किया, तुम भूल जाओ कल, डजंट रियली मैटर।